हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीपी एडिट्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल से कोई सा बैकग्राउंड ले लेंगे, फिर उसके बाद अपने मॉडल को लेंगे। मैंने यहाँ पे मॉडल का बैकग्राउंड पहले से ही रेस कर रखा है। आप चाहो तो रेस करने की वीडियो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट में हम ब्राइटनेस को 50-50 कर देंगे। उसके बाद हम कॉन्ट्रास्ट को 30-24 रख देंगे। एंड फिर उसके बाद हम अपने इफेक्ट में जाते हैं। इफेक्ट में हमें सोल करके एक इफेक्ट मिलता है, उस पर हम जाएंगे। सोल इफेक्ट पर जाने के बाद हम इसके कलर को नॉर्मल कर देंगे और इसके फेज को हम 31-21 रखेंगे। 21 पे ठीक रहेगा। देख सकते हैं ये कुछ हमारी आधी फोटो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हम दोबारा इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट पे हमें स्केच 1 करके एक इफेक्ट मिलता है, उसे हम कर देंगे। उसका जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है उसे हम बिल्कुल फोटो से ऊपर मिलाएंगे। इस लाइन को वाइट, आप वाइट रखना चाहो वाइट रख सकते हो, ब्लैक रखना चाहो ब्लैक रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ब्लैक रखा है। उसके बाद हम इसे जो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए इसमें उसे हम इरेज कर देंगे। मुझे यहाँ पे इसकी आईब्रो अच्छी नहीं लग रही, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे लिप्स के इसके वो भी अच्छे नहीं लग रहे, लाइनिंग वो भी इरेज कर देता हूँ। आपको अगर अच्छी लगे तो आप रख सकते हो। देन हम दोबारा एक बार इनहेंस पर जाएंगे। इनहेंस पर जाने के बाद हम इसकी सैचुरेशन को अलग बढ़ा देंगे, 100 पे कर देंगे। 100 पे करने के बाद हमारी फोटो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम एयर को वाइट कर देंगे, उससे थोड़ा हमें वैसा लुक मिलेगा। इस एयर को हम वाइट करके साइड को थोड़ा सा रेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर हमारी फोटो पूरी रेडी हो जाती है।